दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन सहित अन्य कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शनिवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अब अपराध नहीं आस्था और विकास का समन्वित केंद्र है गोरखपुर। 6 सालों में विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है गोरखपुर। त्रेता युग से चली आ रही है गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। 15 जनवरी को चढ़ेगी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी। श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला। बाबा को चढ़ाए जाने वाले अन्य जरूरतमंदों में वितरित होता है वर्ष भर। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, कहा साकार हो रहा है राम राज्य का संकल्प। आज कोई भी किसी गरीब का नहीं कर सकता है शोषण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के चुनाव के लिए दाखिल पर्चों की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की जांच। 27 में से 25 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए वैध, 2 पर्चों को किया गया खारिज। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर में 13 जनवरी की शाम 8 बजे से 16 जनवरी की शाम 8 बजे तक वाहनों का रूट किया गया है डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिला अस्पताल में मरीज एवं लावारिस लोगों को वितरित किया गया कंबल। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, गरीबों एवं मरीजों के साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी वितरित किया गया है कंबल। और महानगर में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप, अभी भी शीतलहर की बनी हुई है संभावना। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, सुबह व शाम का मौसम अभी रहेगा सर्द, जरूरत पड़ने पर ही निकले रात में घर से बाहर।